आज कुछ कहना है, हर उस इंसान की तरफ से कहना है जो जूझ रहा है। आप किस परिस्थिति में हैं मैं नहीं जानती, पर यह जानती हूँ कि आप कमज़ोर नहीं हैं, क्योंकि अगर आप कमज़ोर होते तो इतना लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक नहीं पहुँचते। आप जिस घुटन में हैं मैं उस घुटन को महसूस कर सकती हूँ। भीड़ में होकर भी उस भीड़ का हिस्सा नहीं बन पाते ना, कोई कुछ कहता है तो समझ ही नहीं पाते ना, या शायद उनके कहे हुए शब्द आपके कानों तक नहीं जाते, क्योंकि आप मानसिक तौर पर किसी और ही दुनिया में होते हैं। आपका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका है, या यूं कह लो आप वक्त के घुटने टेक दिए हैं। वैसे वक्त के आगे सिर झुका लेने से सब कुछ अच्छा ही होता है, अब वक्त से बलशाली भला कौन हो सकता है। बस यह जो आपका आत्मविश्वास है ना, इसे मत डगमगाने देना। और अगर आपके आसपास नकारात्मक लोग हैं जो आपकी और आपके व्यक्तित्व को ठेस पहुंचाते हैं, तो उनसे हाथ जोड़कर विदा ले लीजिए और आपकी ज़िंदगी की यात्रा को सुख दुख या किस्मत के तराजू में ना तोलकर अपने आत्मविश्वास से, अपनी लगन से और अपने व्यक्तित्व से बदलिए। इस दुनिया का नज़रिया भी और नज़ारा भी, बहुत सारे लोग होते हैं जो यहाँ पर हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट करने की जगह साथ छोड़ के जाते हैं। लेकिन मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो अभी भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट करते हैं, शेयर कर रहे हैं, और अभी तक हमारे साथ में खड़े हुए हैं। उन लोगों के लिए मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप लोग ही हैं जो एक सच्चे सब्सक्राइबर हैं हम लोग के लिए, नहीं तो बहुत सारे लोग आए और चले जाते हैं, वीडियो लाइक करते हैं या नहीं करते हैं, सिर्फ सब्सक्राइब किया फिर अनसब्सक्राइब किया। लेकिन जो लोग परमानेंट हमसे जुड़े हुए हैं वो हमारी फैमिली मेम्बर की तरह हमारे साथ में खड़े हुए हैं। क्योंकि देखो, जब किसी का अच्छा टाइम आता है, जिसके पास मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं, तो उन लोग के पास बहुत सारे फॉलोअर्स बने रहते हैं। लेकिन जो इंसान नीचे से बेस से स्टार्ट करता है, उसके लिए एक एक सब्सक्राइबर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और मेरे लिए भी अपना एक एक सब्सक्राइबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग जिस तरह से मुझे सपोर्ट करते आए हैं, आप उस तरह से सपोर्ट करते रहिए। और आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं कि आप लोगों को मेरी अगर वीडियो में कुछ कमी होती है, कोई अगर आपको चाहिए किस तरह का कंटेंट मतलब चाहिए, तो उस तरह का आप बता सकते हो। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने YouTube चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो करूँ, और उसमें मैं फिर एजुकेशनल कंटेंट लेके आऊँ। क्योंकि यहाँ से ये पॉसिबल हो नहीं पाता है कि मैं लगभग एक घंटे की वीडियो बनाऊँ या आधे घंटे की एजुकेशनल कोई क्लास लूँ, और अगर उसको अपलोड करेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन अगर मैं लाइव जाके क्लासेस वगैरह अरेंज करूँगी वहाँ पे, तो बहुत आसानी से वो डायरेक्ट यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है, और उसमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग वगैरह भी और कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसमें। इसमें क्या होता है, कंटेंट को पहले हमें क्या बोलना है, क्या करना है, ये सब बहुत कुछ करना पड़ता है, पूरा मेहनत करते हैं तब जाके एक वीडियो हम आप लोग के लिए लेके आते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग का जो सपोर्ट है, थैंक यू सो मच। आप लोग रियल में अभी तक खड़े हुए हम लोग के साथ में, सच में बहुत अच्छा लगा कि दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी होते हैं जो अपने दिल की सुनते हैं, और उनका दिल जो कहता बस वही वो करते हैं। ऐसे सच्चे लोगों के सपोर्ट के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो हमारे चैनल से जुड़े हैं। और आप लोग इस तरह से ही हम लोग को सपोर्ट करते रहिए, और हम लोग भी आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते रहेंगे। अभी हम लोगों ने शुरुआत की है, अभी हम लोग को बहुत लंबा सफ़र तय करना है। लेकिन जो मेरे अभी के जो सब्सक्राइबर हैं ना, जो बिल्कुल बेसिक लेवल से मेरे साथ खड़े हुए हैं, वही मेरे सच्चे सब्सक्राइबर हैं। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।